ये जो आपका सामने भाई दिख रहा है टीवीएस स्टार्टर प्लस, इसका अंदर बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ चुका है। दो मैकेनिक भाई बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मेरे को फोन करके बोला तब भी मैं इसके पास आने के बाद मैं चेक करने वाला भी, क्योंकि इसका अंदर सब कुछ नया असेंबल किया, जो जो चेक करना था सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी इसका प्रॉब्लम है ना सॉल्व नहीं कर पाया। चलो मैं शुरू करके लेता, उसके बाद आपको देखा था प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अभी करने के बाद ही इसका देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। अभी आप लोग को माइंड में चल रहा है ये इसका बैटरी का इशू हो सकता है, लेकिन बैटरी का इशू नहीं है, इसका बैटरी नया असेंबल करके देखा, देख पा रहे हो फ्रेंड। इस तरीके से प्रॉब्लम आपका पास कभी भी आएगा ना, आपको चेक करने का आसान तरीका आप लोग को बता रहे हैं कि सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड में आपको मोटर देख रहा है सेल का मोटर, इस जगह पे आपका सेल का मोटर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कार्बन ब्रश चेंज करने के बाद में उल्टा भी मोमेंट हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इसका चेक करना चाहिए, इसका उल्टा तो मोमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए चलिए सबसे पहले इसका 8mm का जो नट है ना इसको ओपन करने का बात है, सेल मोटर को ओपन करके लेता, उसके बाद ही देखता प्रॉपर तरीके से है ना सेल का मोटर पिनियम खराब हो चुका क्या, जो उल्टा रोटेशन हो रहा है क्या, इसका मैग्नेट साइड है मैग्नेट साइड में उसका जो पिनियम है ना वो ख़राब हो चुका क्या, वन बे रोलर का प्रॉब्लम आ चुका। चलिए फाइनली मैं सबसे पहले इसको ओपन करके लेता हूँ, ओपन करने का बात ही आप लोग को आगे का प्रोसेस डिटेल के साथ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसका मोटर ओपन करके लिया, उसके बाद ही चेक करने का आसान तरीका बात रहा है, क्योंकि ये जो मोटर है ना ये रोटेशन क्या हो रहा है, इसका राइट हैंड साइड में क्या लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या हो क्या, क्योंकि फ्रेंड ये है ना उल्टा भी मोमेंट होने से भी इस तरीके से प्रॉब्लम आपका दिखाई दे सकता है, इसीलिए चलिए सबसे पहले चेक करके लेता इसका मोमेंट सही से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए अब ये चेक करके लेता सही से रोटेशन हो रहा है क्या नहीं है, उल्टा क्या सीधा, मारो सेल मारो। फिर आप लोग तो देख लिया प्रॉपर तरीके से ये मोमेंट हो रहा है, मतलब सही से रोटेशन हो रहा है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद इसका मैग्नेट साइड है ना इसका जो वन बे रोलर सेट का भी प्रॉब्लम आ सकता, चलिए सबसे पहले इसका मैग्नेट साइड। देख पा रहे हैं इसका जो वन बे रोलर है ना इसको ओपन करके लिया, इसका साथ ही साथ देख पा रहा है इसका मैग्नेट इस जगह पे, इसका फिर भी इसका पूरा असेंबली निकलने के बाद नहीं इसका प्रॉब्लम है ना अभी तक इसका जो सॉल्व होना चाहिए ना सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इसका अंदर ना प्रॉब्लम जो था ना, लेकिन आप लोग को लगता है इसका अंदर प्रॉब्लम है लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसका वन बे रोलर का सेट काम क्या है, इसका इसका सिर्फ एक ही साइड मोमेंट होना चाहिए, देख पा रहा है इस जगह भी इसका इस तरीके से पूरा फ्री है, जब भी इस तरीके से सेल को रोटेशन होना चाहिए ना इस तरीके से घूमना चाहिए सिर्फ मैग्नेट को साथ में लेके, देख सकता आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये सही से वर्क कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप लोग को देखा था मैं प्रॉपर तरीके से इस जगह पे देख सकता इसका जो रोलर है ना ये कभी कभी फंसने का बाद में भी इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देता, इसलिए इसका साथ ही साथ ओपन करके लिया, लेकिन देख पा रहे हैं इसका अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी स्क्रैचेस भी नहीं है, इसका प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर, तो देख पा रहे हैं इसका असेंबल करने के टाइम पर इसको इस तरीके से राइट हैंड साइड में मोमेंट करने के बाद इसको बैठा देने का ये प्रॉपर तरीके से रोटेशन हो रहा है। चलिए फ्रेंड आप लोग को पहले बोला था ना इसका जो सेल मोटर को है ना कभी कभी ऐसे भी हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है इसका अंदर, तो इसका रोटेशन ये तो सही से उल्टा भी नहीं घूम रहा है सही से घूम रहा है, इसका अंदर ही कार्बन ब्रश एक बार प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए वो सही से फिट है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कार्बन ब्रश से है ना प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होता था ना तो इसका लोड नहीं ले पाएगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से एक बार चेक करना चाहिए वो कार्बन ब्रश सही से बैठा है क्या नहीं बैठा है, स्प्रिंग भी एक बार चेक करना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसको ओपन करके लेता मैंने, देख पा रहे हैं इसका जो कार्बन ब्रश है ना इसका हालत देख सकता उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा है ना टूट टूट गया, इसलिए इसको भी एक बार डायरेक्ट चेंज करने के बाद ही देखता प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या नहीं होता, तो इसका अंदर भी इस तरीके से प्रॉब्लम होने से भी इसका इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई देता। चलिए फाइनली इसका कार्बन ब्रश अभी चेंज करके देखता प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या नहीं होता।
देख पा रहे फ्रेंड, इसका पूरा फाइनली इसका इजनी स्विच ऑन करके लिया, इसका साथ ही साथ इसका सेल मोटर भी असेंबल करके दिया। अभी इसका सेल मारने के बाद देख सकता है इसका। देख पा रहे फ्रेंड, इसका जो प्रॉब्लम था ना, सिर्फ इसका मेन इशू था सिर्फ कार्बन ब्रश में। जो कार्बन ब्रश है ना, उसका थोड़ा बहुत आपको बेला बोला था ना जो टूटा है, उसके साथ स्प्रिंग का भी कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। इसका टेंशन खत्म होने के बाद में भी इस तरीके प्रॉब्लम दिखाई देता है, इसलिए इस तरीके से चेकिंग करने का। फ्रेंड आपको तो समझ में आ चुका है मेन प्रॉब्लम क्या था, इसका लोड नहीं ले पा रहा था। चलो फिर मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी जरूर बना जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अगर आप इस समय सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।